जगह है जहाँ पे इस्कॉन टेम्पल है, सारी जगह दी गई है जहाँ पर ऐसी गैलरी बनाई गई है और जहाँ जहाँ ये इस्कॉन टेम्पल है वहाँ पर ये नाम दिया गया फ्लोरिडा और फ्लोरिडा में ये भी एक और है, शिकागो में एक है और ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये इसके संस्थापक है और ऐसे यहाँ पे चारों तरफ फोटो लगाई गई है बेसिकली दोनों तरफ और एक खूबसूरत सी एक गैलरी बनाई गई है और यहाँ पर ऐसे कृष्ण भगवान की और उनके दास फोटो बनाई गई है। ऐसे अपने परम कल्याण के लिए सदा जपिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे और सदा प्रसन्न रहिए और ऐसे कुछ खूबसूरत सी पेंटिंग की गई है। ये ऐसे ऊपर का है यहाँ पे कृष्ण से संबंधित कई सारे चित्र बनाए गए हैं। ये है संस्थापक इस्कॉन टेम्पल के, वो जो आगे वो बैठे हुए हैं वो है संस्थापक वो ये सारे वेट कर रहे हैं दर्शन का। दर्शन का समय है 8:30 बजे, जैसे 8:30 बजे जो व्हाइट वाली चद्दर दिख रही है दोनों मंदिर और इधर भी है तीनों मंदिर में, तो ये हटा दी जाएगी जिससे आप आसानी से दर्शन कर पाएंगे। ये है एग्जिट, एग्जिट में ऐसे आप जाएंगे, ऐसे हटाएंगे इसको, ये एग्जिट है ऐसे एग्जिट। ये प्रभु जी हैं, ये चरण में दे रहे हैं कि मम्मा ये देखो ये देखो ये प्रभु जी हैं, इनको चरण में दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ बुक्स रखी हुई हैं तो आप अगर चाहें तो ये बुक्स वगैरह ले सकते हैं। ये प्रभु जी हैं, ये आपको बताएंगे ये बुक्स के बारे में, ये सारी आप इनसे बुक्स वगैरह ले सकते हैं, कृष्णा से संबंधित सारी कुछ है यहाँ पे। ये प्रभु जी यहाँ पे सेवा करते हैं और यहाँ पे सबको प्रभु जी के नाम से ही बुलाया जाता है, यहाँ पर किसी को किसी के नाम से नहीं बुलाया जाता, यहाँ पर सबको प्रभु जी के नाम से बुलाया जाता है। हम आ गए हैं एग्जिट की तरफ बाहर, अभी 8:30 बजने में थोड़ा सा समय है और ये लड़का हमको परेशान कर रहा है, कह रहा है बाहर चलो, तो अभी हम बाहर आ गए हैं, थोड़ा समय हो जाए दर्शन का फिर हम अंदर चलते हैं। देखो अभी कह रहे कभी कहता है अंदर चलो, कभी कहता है बाहर चलो, तो अभी कहाँ चलना है बताओ। अब देखो अब कह रहा है अंदर चलो, अंदर जाते हैं तो कहते हो कि बाहर चलो, क्या है ये अंदर मंदिर, चलो मंदिर चलते हैं। जाने के लिए गेट दूसरा है तो हम दूसरे गेट से जाएंगे। अभी इनको उनको लग रहा है नींद लग रही है, अभी भूख लग रही होगी तभी ये बार बार जो है परेशान कर रहे हैं। ये बाहर का आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखाता हूँ, बाहर से कुछ ऐसा दिखता है मंदिर, ये इस्कॉन टेम्पल का खूबसूरत सा मंदिर, मंदिर खुल चुका है 8:30 बजे और ये मंदिर का दिव्य दर्शन। तीनों मंदिर खुल चुके हैं,
दिल्ली के कौन टेम्पल में देखने को मिलेगा, और उसके साथ में जब आप दूसरी तरफ आएंगे तो यहाँ पर भगवान विष्णु का एक चित्र बनाया गया है और ये नरसिंह भगवान है शायद। और लेकिन अब क्या है, अब यहाँ पर लग चुकी है लाइन, कृष्ण मंदिर को देखने के लिए आपको लाइन लगानी पड़ेगी, तो आपको ऐसा लाइन लगाना पड़ेगा तीसरे मंदिर आपको देखने के लिए लाइन लगा। चलना पड़ेगा उसी गेट पर। अच्छा एक चीज दिखाना मैं आपको भूल गया, वो दिखाता हूँ। ये है जो कि है गेट नंबर 4। अगर आप कालका जी से आ रहे हैं तो कालका जी से अंदर गार्डन से होकर अगर आएंगे तो आपको ये गेट मिलेगा, और यहाँ पर पुलिस बूथ भी लगा हुआ है, तो सुरक्षा के लिए यहाँ पर एक पुलिस बूथ भी लगाया गया है। वैदिक एक्सपो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। भगवद गीता शो है 30 मिनट का, वैदिक सफारी है 45 मिनट की। हाँ आप तो ख़त्म हो गया, लेट हो गया ना। हाँ तो ख़त्म हो गया, वो तो दिखा दूँ आपको जो बाहर से दिखना है। मन्नी अब देख तो लिए, अब घर चलते हैं ना। ये देखो यहाँ पे
विश्व की सबसे बड़ी भागवत गीता रखी है। हाँ चलो दिखाता हूँ, यहाँ पे बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं। मंदिर से निकल के मंदिर जाने को कह रहे हैं। यहाँ पर कुछ खूबसूरत सी मूर्तियाँ बनी हुई हैं जहाँ अभी हम चल रहे हैं, और विश्व की सबसे बड़ी भागवत गीता यहाँ पर रखी हुई है। जो कैसे है? चलो वहाँ आपको देख के बताते हैं। ये उसके अंदर है, यू आर वॉचिंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट सेक्रेट बुक स्टेप टू हैव अ क्लोज व्यू, ऐसा कुछ करके यहाँ पे भगवद गीता के बारे में दिया गया है। और ये वही बिल्डिंग है जो हम दिखाने आपको चल रहे हैं, तो चलिए चलकर देखते हैं अंदर।